ल दीपक यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी इस वीडियो से तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना दोस्तों आजकल एक एस एम एस सभी लोगों के पास भेजा जा रहा है पेटीएम के थ्रू जिस पर बताया जा रहा है कि के वाई सी आपका एक्सपायर हो गया है और आपको के वाई सी इमिडिएटली रीन्यू करवाना होगा कॉल करें इस नंबर पे तो मैं आपको वो पहले एसएमएस का स्क्रीनशॉट बता देता हूँ मेरे एक दोस्त को वो मैसेज भेजा गया था आप डिस्प्ले पे देख सकते हो वो स्क्रीनशॉट जहाँ पर साफ साफ अगर आपको एक तरीके से लगेगा कि ये पेटीएम का ऑफिशियल भेजा गया है पेटीएम के ऑफिशियल जो एसएमएस कोड होते हैं उनके थ्रू और ये मैसेज में लिखा है कि डियर पेटीएम कस्टमर योर पेटीएम टी के वाई सी हैज एक्सपायर टूडे इमिडिएटली प्लीज़ कांटेक्ट कस्टमर केयर और कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर इस तरह से दिया गया है जो कि नॉर्मली मोबाइल नंबर होता है इमीडिएटली तो योर पे अकाउंट ब्लॉक ट्वेंटी फोर आवर थैंक्स पे तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आपका जो के है वो एक्सपायर हो गया है और आप इसे तुरंत इस नंबर पर कॉल करके अपना के को अपग्रेड कर करवाइए चौबीस घंटे के अंदर तो मैं आपको बता दूँ पेटीएम के साथ बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है कोई किसी केस में यू का रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है और बोल रहा है कि बोल दिया जा रहा है कि आप पेमेंट एक्सेप्ट करो और यू यू पी आई पिन एंटर करने के बाद में पेमेंट कट जा रहा है उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है तो यहाँ पे इस टाइप का आया है अब इस टाइप में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोग आपके सामने अगर ऐसा केस आता है आपके साथ या आपके फ्रेंड के किसी के भी साथ में तो उनको बोलिए कि पेटीएम खुद कभी किसी को ऐसा पर्सनल मैसेज करके कॉल पे के करने को नहीं कहता है और मैं आपको बताऊंगा कि के वाई कैसे चेक करनी है आपके अकाउंट में तो उस पर अवेलेबल है तो मैं आपको वो बता देता हूं फिर मैं आप इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा तो मैं अपना सेकंड मोबाइल में वो पेटीएम मेरा ऑलरेडी लॉग इन है तो सेकंड मोबाइल में चलते हैं कैमरा ओपन कर लेता हूं इस मोबाइल का तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी आप पे हमारा सेकंड मोबाइल में मेरा पेटीएम ओपन है और आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको इस आइकन पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे योर अकाउंट योर वॉलेट लिमिट टेन थाउजेंड जो कि ये जो मेरा पे अकाउंट है वो मिनी के वाई अकाउंट है और इसके नीचे लिखा है वॉलेट टिल सेवन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तो यहाँ पे मैंने जब इसे ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पे अकाउंट का जो स्टेटस है मिनी के वाई है और इस इसका जो आप देख सकते हो मंथली लिमिट है दस हज़ार रुपये और के एक्सपायर होगा सात अप्रैल दो हज़ार बीस को और आप इस अकाउंट से क्या क्या कर सकते हैं वो भी सब है। मर्चेंट को पे कर सकते हैं और किसी वेबसाइट पर पे पेमेंट कर सकते हैं तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसा चेक करना है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कॉल आता है सबसे पहले कि पेटीएम इस टाइप का कस्टमर केयर का नंबर नहीं देता पेटीएम का ऑफिशियल कस्टमर केयर का नंबर है जो कि प्लस जो कि ऑफिशियल है वन ट्वेंटी से स्टार्टिंग होता है तो आपके पास अगर कॉल पे कोई भी डिटेल मांगी जाए इन केस में क्या होगा मैं बताता हूँ कि आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांग लिया जाएगा और आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा या फिर किसी भी टाइप का आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा और बोला जाएगा कि आप ओटीपी शेयर करो आपके के करनी है और ऐसे केस में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और बहुत जनों के साथ हुआ भी है तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि किसी के साथ भी इस टाइप का मैसेज आता है या फिर किसी भी पेटीएम के थ्रू या किसी का भी कंपनी का नाम लेकर या फिर खुद बैंक ऑफिशियली बैंक की तरफ से कॉल आता है और बोला जाता है कि आप अपना पर्सनल डिटेल शेयर कीजिए जैसे अपना ए कार्ड नंबर आपका यू पिन एक्सेट्रा तो आप उसे सेंड ना करें थैंक्स फॉर वॉचिंग